रेजिडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अक्सर दिवाली पर हम इस तरह की लाइट यूज़ करते हैं जिसमें तीन अलग अलग कलर होते हैं और ये रोटेट भी करता है क्योंकि इसमें एक मोटर भी होती है। ये देखिए, अब ये घूम तो रहा है पर इसकी लाइट्स नहीं जल रही हैं, सो ये ठीक वर्क नहीं कर रहा है। सो हम इसे खोल कर देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और अगर इसकी कोई LED ख़राब है तो हम इसे चेंज करेंगे। ये तीनों LEDs जो होती हैं एक सीरीज़ में होती हैं। मोटर वर्किंग तो ओके है, तो इसे हम निकाल कर ओपन कर लेते हैं। इसके सामने एक स्क्रू है जिससे इसका ये डोम शेप रिफ्लेक्टर जो है ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने का तो हम देख सकते हैं सामने ही 3 LEDs हैं। इसके लिए या तो आप 3 वोल्ट्स का कोई सप्लाई ले लें या फिर अडाप्टर, और इसकी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर मेंशन है उसके हिसाब से इसे सप्लाई देंगे 3 वोल्ट की। तो आप चेक कर सकते हैं कि LED वर्क कर रही है या नहीं कर रही। सो पहले वाली LED नहीं वर्क कर रही थी, ये वाली LED वर्क कर रही है ग्रीन। ये तीसरी LED भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें यहाँ मेंशन है जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव असिस है, हमें पोलैरिटी से कनेक्शन करना होगा। सो ये भी वर्क कर रही है, तो एक LED इसकी वर्क नहीं कर रही है। सो हमें इसे रिमूव करके इसके साथ की दूसरी LED मार्केट से ला के लगानी होगी। सो मार्केट में ईजीली ये LED मिल जाती है जिस भी कलर की आपको चाहिए, और इसकी पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी पता लगाने के लिए हम इसमें सप्लाई दे के देख लेंगे। तो रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव, तो अब हमें इसका पॉजिटिव नेगेटिव मालूम है। जहाँ पर पुरानी LED लगी है उसके पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हम इसे सोल्डर कर देंगे। पुरानी LED को रिमूव करके मैंने नई LED सोल्डर कर दी है यहाँ पर। सो बंद करने से पहले इसे चेक कर लेते हैं। सो इसको सप्लाई देने पर देखिए इसकी सीरीज़ पूरी हो गई और ये तीनों LED ठीक से वर्क कर रही हैं। सो मैं इसे बंद कर देता हूँ। सामने वो स्क्रू लगा देंगे जिससे ये अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। तो गाइस, आपने देखा बहुत इजी स्टेप्स में इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई वो लाइट आपकी ख़राब है तो आप भी ओपन करके उसे इसी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट। हैव अ नाइस डे।